हेलो गाइस, मैं हूं रवि। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे राजधानी का फर्स्ट एसी कोच कैसा होता है, फर्स्ट एसी में कूप कैबिन कैसा होता है जिसे कपल कैबिन भी बोलते हैं, कोरोना के बाद कैसी फैसिलिटीज़ मिलने लगी हैं, कैबिन में आप डॉग्स या कैट्स को साथ ले जा सकते हैं क्या। What's up people, my name is Ravi and welcome back to my channel। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली से गोवा तक की जर्नी दिखाने वाला हूँ और ये जर्नी मैं त्रिवेंद्रम राजधानी एक्सप्रेस से कर रहा हूँ जिसका ट्रेन नंबर है 12432। साथ ही साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि राजधानी का फर्स्ट क्लास कोच कैसा रहता है और इसमें कूप कैबिन कैसा होता है जिसको कपल कैबिन भी बोलते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। ये फर्स्ट एसी का कॉरिडोर है और ये है कूप कैबिन जिसे कपल रूम भी बोलते हैं। इसमें दो लोगों के लिए बर्थ होते हैं। इसको आप अंदर से लॉक कर सकते हैं। कर्टेंस लगाकर ये पूरा कैबिन बिल्कुल प्राइवेट हो जाता है। इसमें एक छोटी सी टेबल भी है जिसपे आप अपनी छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं। इसमें फ़ोन या लैपटॉप चार्ज करने के लिए सॉकेट दिए गए हैं, लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिए हैं और ये बेल वाला बटन दबाने पर आप किसी असिस्टेंट को अपने कैबिन में बुला सकते हैं। अगर आपको ट्रेन में बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आपके लिए दोनों सीटों में लाइट्स दी गई हैं जिसे आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट एसी कोच में नहाने के लिए बाथरूम कैसा होता है। इसमें गर्म पानी के लिए गीज़र दिया गया है और एक बड़ा सा मिरर भी दिया गया है। ये फर्स्ट एसी कोच का टॉयलेट है जो बिल्कुल साफ होता है। कैबिन में आपको पानी की बोतल्स मिलती हैं। इस कैबिन में भी आपको मिरर मिलता है। हमें ये दो पैकेट मिले हैं जिसके अंदर बेडशीट, पिलो कवर और टॉवल प्रोवाइड किए गए हैं। बेडशीट हम बिछा ही रहे होते हैं कि इतने में स्टाफ के एक भैया खाने के लिए पूछने आ जाते हैं। कहाँ से चलेंगे आप? गोवा। ऊपर वाले बर्थ से कैबिन कुछ ऐसा दिखता है। सुबह के 7:50 बज रहे हैं और बाहर मथुरा स्टेशन आ गया है लेकिन ट्रेन का स्टॉप यहाँ पर नहीं है। ये आ गया हमारा ब्रेकफास्ट। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मिला है। वेज प्लेट में हमें कॉर्नफ्लेक्स के साथ दूध दिया है, दो ब्रेड दी हैं, जैम सॉस और बटर दिया है, एक केला दिया है और एक वेज कटलेट दिया है। सुबह के 11:25 बज रहे हैं और ये आ गया हमारा पहला स्टॉप जो है कोटा जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन 5-10 मिनट रुकेगी इसलिए मैं बाहर थोड़ा टहलने आ गया। वैसे ट्रेन में टाइम पास करने के लिए आप लूडो खेल सकते हैं। 1:30 बज गया है और हमारा लंच भी आ गया है। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिला है। खाना खा के हम बैठे ही थे कि इतने में आइसक्रीम आ जाती है। पेट पूजा होने के बाद हमें नींद आ जाती है और 4:45 बजे जब हम उठते हैं तो हमें स्नैक्स मिल जाते हैं। स्नैक्स में हमें एक सैंडविच, बादाम, दो बिस्किट्स, एक कचौड़ी और चाय मिलती है। 5:30 बजे हमारा सेकंड स्टॉप आ जाता है, गुजरात का वडोदरा। फर्स्ट एसी कोच में आप अपने पेट्स भी ले जा सकते हैं।
इसके लिए आपको कुरियर फीस देनी पड़ेगी। रात को 8 बजे डिनर आ जाता है। वेज थाली में हमें मिली है पनीर की सब्जी, दाल चावल, मिक्स वेज और 2 रोटी। रात के 10 बजे है और अभी मुंबई का वसई रोड स्टेशन निकला है और हमारे सोने का टाइम भी हो गया है। कल सुबह 8 बजे हमारी ट्रेन गोवा के मडगांव स्टेशन पहुंच जाएगी। गुड मॉर्निंग गाइज विद अ ब्यूटीफुल व्यू। सुबह के 7:45 बजे है और हम गोवा में एंटर कर चुके हैं। सात बजे हमारे पास सुबह की चाय आ जाती है और चाय पीने के बाद हमारा स्टेशन भी आने वाला था। हमें इस ट्रेन ने ऑन टाइम 7:55 पे मडगांव स्टेशन पहुंचा दिया। सो गाइज, ये थी हमारी फर्स्ट एसी कोच जर्नी दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से गोवा के मडगांव तक। अगर आप जानना चाहते हैं कि गोवा में आप कहां कहां घूम सकते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर ट्रैवल ब्लॉग्स।